नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज से हम एक नए सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें दिन भर की बिहार और देश की धराधर 30 खबरें शामिल रहेंगी, जो कि रात के 8 बजे आएगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। जातीय जनगणना की मांग के साथ 7 अगस्त को RJD करेगी प्रदर्शन। पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से होगी मत पत्रों की छपाई। के लिए मंत्री मुकेश सहनी ने दिया अपने 1 महीने का वेतन। राज्य के 15 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज। पटना IIT के छात्रों ने कैंसर के पहचान के लिए ढूंढा नया तकनीक। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर विस्तार से। नल जल योजना में धांधली करने वालों पर पंचायती राज मंत्रालय लेगा एक्शन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में कई पंचायतों से धांधली की शिकायतें आती हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इसमें अधिकारी से लेकर टेंडर के लोग गड़बड़ी करते हैं। ऐसे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। ये बातें बीते दिन उन्होंने बांका में कही, जहां उन्होंने अमरपुर प्रखंड के कई पंचायती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सभी पंचायत भवन में RTPS काउंटर नियमित रूप से काम करने लगेंगे। इसके अलावा उन्होंने हर घर तक नल का जल पहुंचाने को अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही इस योजना की जांच में धांधली करते हुए पाए गए अधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही है। जातीय जनगणना की मांग के साथ 7 अगस्त को RJD करेगी प्रदर्शन। बिहार में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है। सभी पार्टियां जातिगत राजनीति करने से चूकती नहीं है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में वोट के जरिए मिलता है। इस कड़ी में राज्य में अब जातिगत जनगणना का मुद्दा सभी दल उठा रहे हैं, जिसकी मांग करते हुए सुबह की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी RJD प्रदर्शन करने के मूड में आ गई है। इसे लेकर कल शनिवार यानी कि 7 अगस्त को सभी जिलों के मुख्यालयों में जातीय जनगणना और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने की के साथ प्रदर्शन करेगी। इस बात की जानकारी राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दी है। साथ ही जाति के आधार पर विभिन्न जाति की आबादी की अलग गिनती होने को आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा कि इस मांग के पूरा होने से पिछड़ी जातियों को सही मायने में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अयांस के लिए मंत्री मुकेश सहनी ने दिया अपने 1 महीने का वेतन। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित पटना का रहने वाला नन्हा अयांस के इलाज के लिए 16 करोड़ जुटाने के लिए आम और खास सभी लोग मदद करने को आगे आ रहे हैं। इस क्रम में बीते दिन पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने भी नन्हे अयांस से मुलाकात करने उसके घर पहुंचे और उसके माता पिता से मिलकर अयांस का हाल जाना। इस दौरान मुकेश सहनी ने भी अयांस के इलाज के लिए अपने 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया। साथ ही लोगों से भी मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। बताते चले कि 10 महीने के बच्चे अयांस की बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी काफी खतरनाक और दुर्लभ है और उसके इलाज में 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत बताई गई है। ऐसे में उनके माता पिता क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। अफसरों द्वारा सांसद विधायकों का सम्मान नहीं करने पर होगी कार्रवाई। सूबे बिहार में हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए, जिसमें सरकार के मंत्री ने अधिकारियों द्वारा सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानापूर्ण काम करने की बात कही गई। वहीं अब इस मामले को लेकर CM नीतीश कुमार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने चिंता जताई है और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, DGP, कमिश्नर, जोनल IG, DIG, DM, SSP और SP के साथ साथ रेल SP को एक पत्र लिखा है, जिसमें मंत्रियों या फिर जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने को गाइडलाइन बताया गया है। अगर कोई अफसर इस गाइडलाइन के पालन में कमी करते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। बताते चले कि राज्य में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए कुछ गाइडलाइंस तय होते हैं, जिनका पालन अधिकारी को करना जरूरी होता है। अगले 24 घंटे में कई हिस्सों में गरज बारिश को लेकर किया गया अलर्ट। राज्य में एक बार फिर से मानसून ट्रफ लाइनों के सक्रिय हो जाने से बारिश जैसी स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान भी गरज के साथ बारिश होने के आसार बने हैं। तो वहीं उत्तर बिहार के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की संभावना बताते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। IMD ने भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया समेत कई जिलों में बारिश होने के आसार बताए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण बीते दिन अधिकतम तापमान में भी बदलाव दिखा। पटना और गया का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं भागलपुर व पूर्णिया का 35.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनेगा आजादी दिवस का त्यौहार। इस बार आजादी का दिन यानी कि 15 अगस्त 2021 को हमारा देश अपनी 75वीं वर्षगांठ में प्रवेश कर लेगा और उसके साथ ही इस दिन आजादी के 74 साल पूरे होने वाले हैं। इस खास मौके पर हर साल समारोह मनाया जाता है। हालांकि इस बार बिहार समेत देश भर के राज्यों में कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे में ही समारोह को मनाया जाएगा। इसे लेकर सभी जिलों को बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से पहले ही आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। जिलों में इस बार कोई भीड़भाड़ वाला सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा।
तो वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में केवल वीवीआईपी और सबसे सीनियर पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही परेड में जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से होगी मतपत्रों की छपाई। बिहार पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां पूरी करने की कवायद शुरू है, ताकि तारीख निकलने के साथ ही चुनाव को संपन्न करने में कोई दिक्कतें न आए। इस बार 4 पदों के लिए चुनाव ईवीएम से होने वाले हैं, जिसके लिए प्रयोग किए जाने वाले मतपत्रों की छपाई का काम जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर कराया जाएगा। इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस का चयन होने का काम शुरू हो गया है। हालांकि नामांकन के बाद ही मतपत्रों की छपाई की जाएगी। बताते चले कि आयोग की ओर से अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रंगों के मतपत्रों की छपाई कराने का निर्देश दिया गया है, जबकि बैलेट पेपर की छपाई स्थानीय स्तर पर नहीं कराते हुए प्रदेश के बाहर या फिर अन्य शहरों में कराए जाने का निर्देश दिया गया है। पटना आईआईटी के छात्रों ने कैंसर की पहचान के लिए ढूंढा नया तकनीक। राजधानी पटना स्थित आईआईटी के छात्रों ने एक ऐसी तकनीक को खोज निकाला है जो भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में बेहद मददगार साबित होने वाला है। इस तकनीक के जरिए अब आम मरीज भी कैंसर की आशंका वाले अंग की तस्वीर या फिर जांच को रिपोर्ट पोर्टल पर डालकर उस अंग में कैंसर की पहचान को आसानी से कर सकेंगे। आईआईटी पटना से इंटर्न कर रही 4 छात्राओं ने यह तकनीक इजाद की है। दरअसल छात्राओं के आइडिया को बीते मई में ही हैकथॉन में प्रथम स्थान मिला था, जिसके बाद पुरस्कार में मिली राशि से ही ये छात्राएं इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे रही हैं। इस वेब पोर्टल पर डीप लर्निंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। इससे स्तन त्वचा और गर्भाशय के कैंसर का आसानी से पता चल जाता है। प्रायोगिक परीक्षण के लिए एम्स पटना में वेब पोर्टल के जरिए मरीजों के रिकॉर्ड के साथ एक्यूरेसी चेक की जाएगी। लोजपा के एक और वरिष्ठ नेता हो जाएंगे जदयू में शिफ्ट। लोजपा में मुसीबती थमने का नाम नहीं ले रही है। वरिष्ठ नेता सब पूर्व मंत्री रह चुके भगवान सिंह कुशवाहा लोजपा से रिश्ता नाता तोड़ते हुए फिर से जदयू में शामिल होने वाले हैं। बताते चले कि शाहबाद की राजनीति का वे बड़ा चेहरा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलने पर जदयू से नाराज होकर उन्होंने लोजपा का दामन थाम लिया था। बताते चले कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाहबाद क्षेत्र के 4 जिलों बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास में जदयू को एक भी सीट नहीं हुई। ऐसे में भगवान सिंह कुशवाहा के फिर से जदयू में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खबरों की माने तो 1 से 2 दिनों में वे अपनी पुरानी पार्टी जदयू का दामन थाम सकते हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा को इससे हानि हो सकती है। ललन सिंह ने युवाओं से आरजेडी के इतिहास को जानने की कही बात। जनता दल यू के नवनिर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक बार फिर से विपक्षी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर सक्रिय हो गए हैं। इस बाबत आज ट्वीट करते हुए उन्होंने बिहार के युवा वर्ग को एक सलाह दी है। ललन सिंह ने राजद पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि बिहार के युवाओं को बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे साल 1990 से 2005 के आरजेडी के शासनकाल को जानने को कहा। उन्होंने लिखा कि शाम 6 से 7 बजे के बाद महिलाएं तो क्या पुरुष भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। बाजार में दुकानें बंद रहती थी। अपहरण उद्योग चलाने वाले मोटी रकम वसूलते थे, जिस कारण डर से लाखों लोग अपना दुकान धंधा बेचकर बिहार से पलायन कर गए, जबकि आज सुशासन का दौर आ गया है। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री ने अपने प्रभार क्षेत्र भागलपुर जिले का दौरा किया। इस दौरान एक समीक्षा बैठक आयोजित कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। बताते चले कि भागलपुर के कहलगांव, नवगछिया आदि क्षेत्रों में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ जैसी स्थिति को बना दिया है। ऐसे में किसी भी तरह की समस्या के लिए फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार है। इस बात की जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिले में कुल 212 नाव उपलब्ध कराए गए हैं। साथ 150 निजी नाव से भी उपलब्धता के लिए एक रार नामा किया गया है। इसके अलावा तटबंधों को भी दुरुस्त किया गया है और कटाव निरोधक काम को भी पूरा किया गया है। साथ ही कृषि विभाग ने भी संभावित बाढ़ की स्थिति से पहले ही आकस्मिक फसल योजना तैयार कर ली है। चिराग पासवान ने अपने बहनोई व राजद नेता अनिल साधु से की मुलाकात। लोजपा में तोड़फाड़ होने के बाद से चिराग पासवान एक्शन में आ गए हैं। वर्तमान में वे बिहार आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं, तो साथ ही साथ परिवार और पार्टी के नेता जो उनसे दूर होते जा रहे थे उन्हें भी अब वे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों चिराग पासवान अपने बहनोई व राजद के नेता अनिल कुमार साधु से मिलने पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच में काफी देर तक पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक बातों पर चर्चा हुई। वहीं इस मुलाकात के बाद अनिल कुमार साधु ने सोशल साइट पर अपनी खुशी को जाहिर करते लिखा है कि परिवार जब जुड़ता है तो खुशियां दोगुनी हो जाती है। आज मुझे एक बार पुनः इसका एहसास हुआ जब प्रिय अनुज चिराग पासवान से मिलना हुआ।
राज्य के 15 जिलों में नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित मरीज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है और आए दिन मामलों में गिरावट के साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या घटी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,68,559 सैंपलों की जांच की गई, जिस दौरान 44 एक्टिव मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 364 हो गई है। खास बात यह है कि सूबे के 15 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले। जिन जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं इनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, सहरसा और वैशाली जिले शामिल हैं, जबकि इस दौरान सबसे अधिक 5 मरीज कटिहार जिले से मिले हैं। टेस्ट मैच में शून्य पर आउट होने के मामले में कोहली ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के साथ चल रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम के कप्तान कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि कोहली ने शून्य पर आउट होकर फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, तो वहीं टेस्ट मैचों में बिना खाता खोले ही आउट हो जाने के मामले में कोहली ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में कोहली 9वीं बार बतौर कप्तान शून्य पर आउट हुए, जबकि इससे पहले पूर्व कप्तान धोनी 8 बार ऐसा कर चुके हैं। तो वहीं इस मामले में तीसरे पर नवाब पटौदी रहे, जो बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 7 बार शून्य पर आउट हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना केस में कमी को देखते हुए धार्मिक स्थानों को खोल देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।